स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नकाश बाजा हेयर वंस अगेन। आज हम बहुत ही खूबसूरत जगह पर आए हैं, जैसा कि आपको थोड़ी देर में हम मंजर दिखाएंगे। हम कॉर्निश साइट पर आए हैं, जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं पीछे हमारे बैकग्राउंड में बहुत खूबसूरत जगह हैं। हमारे ऑपोजिट साइड बहुत अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, जिसमें होटल्स हैं, रेजिडेंशियल एरिया है, अकोमोडेशंस हैं और बिजनेस हब सेंटर भी है। तो आप मेरी पीछे तरफ देख लें, वो सब पोर्ट है। वो पीछे आप देख रहे हैं, वो अबू धाबी पोर्ट है। वहाँ पे सारे जहाज़ जितने भी होते हैं वो कार्गो शिप हैं, और दूसरे हैं वो लंगर अंदाज होते हैं। तो बाकी हम आपको साथ साथ बताते रहते हैं कि कितना खूबसूरत एरिया है। यहाँ पे पीछे हमारे देख लें आप, नीचे पानी कितना खूबसूरत है। यहाँ पे लोग कभी कभी फिश पकड़ने भी आते हैं, और दूसरा यहाँ पे लोग रात को वॉक के लिए आते हैं, कुछ लोग रनिंग करते हैं और सारा कुछ। तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जगह है इधर। हम भी समटाइम कभी आते रहते हैं वो रनिंग वगैरह करने और वॉक वगैरह करने के लिए। बाकी इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नकाश बाजवा हेयर वंस अगेन। सबसे पहले आप सबको जुमातुल मुबारक हमारी तरफ से। अल्लाह ताला आपकी सारी जितनी भी ख्वाहिशात हैं, जितनी भी आपके आगे आने वाले ज़िंदगी में आपने मामलात करने हैं, उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ और कामरानी अता फरमाए। तो हम चलते हैं जी अपने थर्ड व्लॉग की तरफ, जिसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे होटल्स के बारे में कि होटल्स के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, और आपने जिस डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई करना है, उस डिपार्टमेंट से अप्लाई करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का पास होना लाजमी है, और आप को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने दावत दी थी बिलाल भाई को दोबारा अपने व्लॉग में आने के लिए, तो माशाल्लाह बिलाल भाई दोबारा हाजिर हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम नकाश भाई, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो है ना आज फिर हमें मौका दिया कि आपके साथ आएँ, और आपके जो व्यूवर्स हैं उनको जो है ना कुछ जो हमारे पास जो नॉलेज है वो उनके साथ शेयर करें, और हमारे नॉलेज में अगर कोई कमी कोताही है, किसी चीज़ की कमी है, तो वो हमारे ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं और उसको वो बेहतर अंदाज से हमें भी पेश कर सकते हैं। सो कौन से आपके आज के क्वेश्चन हैं जो आप आज मुझसे पूछना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन है जी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल के होटल्स के अंदर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि किचन का जो डिपार्टमेंट है वो सबसे अच्छा है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा ग्रो करने की चांसेस होते हैं ज़्यादा। अगर आपको इतनी क्वालिटीज़ आप में हैं और आपके अंदर स्किल्स हैं, तो वो आप उसमें जल्दी ग्रो कर सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कि होटल्स के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करने के लिए आप लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और कौन कौन सी चीज़ें आपके अंदर आप में क्वालिफ़िकेशन हो आपकी, और आपने वो स्किल आपके अंदर स्किल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप हमें बताएंगे कि होटल्स के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं? होटल के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ पिलर्स होते हैं उसके, ठीक। मुख्तलिफ पिलर से एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिया जाता है। ऐसे ही एक होटल को रन करने के लिए उसके मुख्तलिफ पिलर्स होते हैं, और उन पिलर्स में जो सबसे आम डिपार्टमेंट है वो F&B है। F&B में एक तो किचन डिपार्टमेंट आ गया, वो आपको उसके बारे में बताया था, एक सर्विस उसके बारे में बता चुके हैं। एक सर्विस डिपार्टमेंट है जिसमें F&B सर्विस में वेटर्स होते हैं, सीनियर्स वेटर होते हैं, कैप्टन होते हैं, सुपरवाइज़र, मैनेजर, असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर, बैंक्वेट मैनेजर, और उसके बाद असिस्टेंट F&B मैनेजर, F&B मैनेजर, F&B डायरेक्टर, इस तरह। सो F&B मैनेजर्स का जो इसकी जो पोस्ट है उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये है कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए बाहर की कंट्रीज़ का, ठीक है, UAE का और सऊदी अरेबिया, इस तरह। अगर आप यूरोपियन कंट्री में आपने काम किया तो उसके लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके लिए अगर होटल मैनेजमेंट की डिग्री है आपके पास, वो तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और बहुत ही बेस्ट होगी, तो आपके लिए जॉब मिलना बहुत ही आसान होगी। इसी तरह अगर असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर है, ठीक, उसके लिए भी ऐसे ही है। आपका तजर्बा अगर अच्छा है तो आप अपनी CV जो मुख्तलिफ होटल्स की जो वेबसाइट्स है वहाँ पर आप वेबसाइट सर्च करें, वहाँ पर आप उनके साथ कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। जैसे कि सोफ़ीटेल है, सोफ़ीटेल की आप इसकी वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करें, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह वेटर्स की अभी सेम है, कैप्टन का भी सेम है, और सुपरवाइज़र का भी सेम है। सही हो गया। इसी तरह अप्लाई करने का जो तरीका कार है वो ये है। सही। ओके, मेरा सेकंड क्वेश्चन है आपसे कि जो
अभी तो आपने F&B किचन के बारे में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, तो अभी आपने F&B सर्विस के बारे में बात की, उसके अंदर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट आ जाता है, उसके बारे में आपको क्या ख्याल है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है ये सबसे पहले जो जो इस पूरे डिपार्टमेंट को जो लीड करते हैं वो चीफ इंजीनियर कहलाते हैं। ठीक हो गया, सही है। चीफ इंजीनियर के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री लाजमी है। ठीक, उसमें यह है कि अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है 4th ईयर की, और उसमें वो लाजमी है, और उसके साथ आपका एक्सपीरियंस होना लाजमी है। उसके बाद असिस्टेंट चीफ इंजीनियर होता है, ठीक हो गया, वो भी सेम है, उसके लिए भी इंजीनियरिंग की डिग्री लाजमी होती है, ठीक हो गया। उसके बाद उससे नीचे जो होते हैं वो इनके सुपरवाइज़र होते हैं, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र, ठीक है, और प्लम्बिंग वगैरह मैकेनिकल के आ जाते हैं। उनके लिए आपका जो एक्सपीरियंस है अपने डिपार्टमेंट के लिहाज से, जो आपका काम है उस नौीयत से, और उसके साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका तजर्बा, आपका एक्सपीरियंस, ये चीज़ें हों तो आप डिफरेंट होटल में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में, और बहुत सारी कंपनीज़ में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड आप जॉब हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आप इससे पूछो। और इसके बाद मैं आपसे पूछने जाता हूँ, ये फ्रंट ऑफिस के बारे में ज़रा आप बताएं व्यूअर्स को कि फ्रंट ऑफिस की जॉब क्या होती है। चले जी, फ्रंट ऑफिस जी होटल की बैकबोन होती है। फ्रंट ऑफिस से मुराद के फ्रंट ऑफिस के अंदर आपका फ्रंट ऑफिस मैनेजर होता है, जो आपके जितने भी रिसेप्शन के अंदर जितने भी रिसेप्शनिस्ट खड़े होते हैं उनको सबको कवर करते हैं। वो आपके लीडर होते हैं आपका जो रिसेप्शन के जो होते हैं मैनेजर, उसके अंदर आपको जो क्वालिफाई करने की चीज़ होती है जी सर, आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी आपके टूरिस्ट आएंगे, जितने भी आपके गेस्ट आएंगे, सबसे पहले आपको उनको फेस करना है। उसमें ग्रीटिंग आ जाती है, उसमें आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये चीज़ें सारी क्वालिफाई होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो अच्छी मेन चीज़ है वो वन एंड ओनली इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप अच्छी तरह गेस्ट को डील कर सकें। कम्युनिकेशन स्किल आपके जितने भी कुलीग्स के साथ अच्छे होने चाहिए। उसमें एक बैक ऑफ द हाउस होता है और एक फ्रंट ऑफ द हाउस होता है। बैक ऑफ द हाउस जो होते हैं वो सब सिस्टम, जो जितना भी आपका ओपेरा सिस्टम आजकल जो होटल्स के अंदर चलता है, वो सारी चीज़ें कवर करती हैं। तो आपको ओपेरा सिस्टम अगर आता है अच्छी तरह, तो आप एलिजिबल हो फ्रंट ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट अप्लाई करने के लिए। उसके बाद एक चीज़ और है ना, कि अगर आपका ये चीज़ है कि देखो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक, कम्युनिकेशन स्किल के साथ अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस के साथ आप ये जॉब आप सर्च करो, और इस जॉब को आप बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हो, उसमें इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। चले अभी हम मूव करते हैं, एक और डिपार्टमेंट है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग के बारे में आप क्या जानते हैं, जितनी आपके पास नॉलेज है वो शेयर करें, और जितनी मैं हाउसकीपिंग पूरे जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को जो लीड करते हैं, जो पूरे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को देखते हैं, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर। सही, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर के लिए ये है कि आपका एक्सपीरियंस होना लाजमी है। ठीक, आपने डिफरेंट होटल्स में किसी भी कंट्री में काम किया हो, डिफरेंट कंट्रीज़ में काम किया हो, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक, और ये हो गई एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, उससे नीचे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर। सही, उसके लिए भी आपके पास सेम लाइक एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिफरेंट होटल्स का, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और हाउसकीपिंग से मुतालिक जितने भी रूम से मुतालिक, रूम को बनाना, हाउसकीपिंग का काम होता है रूम्स बनाना, रूम्स की जितना भी डेकोरेशन ये सारी, और जितने भी कॉरिडोर्स वगैरह हैं होटल्स की, जितनी भी सफाई की जो जितना भी अरेंजमेंट है, ये हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट करती है, और इस तमाम का ताल्लुक हाउसकीपिंग से होता है। और इसमें हाउसकीपिंग सुपरवाइजर्स होते हैं, इसमें हाउसमैन होते हैं, इसमें बैक ऑफ द हाउस होते हैं, फ्रंट में लोग काम करते हैं ऑफिस के अंदर बैठ के। फॉर एग्जांपल गेस्ट ने आपसे कोई भी चीज़ मांगनी है अपने यूज़ के लिए, अमेनिटीज़ वगैरह जिसमें होती हैं, जिसमें आपके साबुन होता है, आपके शैम्पू होता है, दूसरी जितने भी जिसमें शेविंग किट होती है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो आपसे डायरेक्ट कॉल करके आपसे हाउसकीपिंग ऑफिस के अंदर पूछ सकता है। और जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ बैठे होते हैं बैक ऑफ द हाउस, वो सारे उनको अच्छी तरह डील करते हैं, और वो अपना कनेक्ट करते हैं अपने जो अपने रूम्स की तरफ और अपार्टमेंट की तरफ जो लड़के सारे घूम रहे होते हैं, तो उनको वो पास करते हैं मैसेज। तो वो सारा अपना सामान लेके जितने भी साबुन शैम्पू और दूसरी शेविंग किट्स वगैरह और दूसरी सारी चीज़ें, उसके बाद जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, जो सबसे बैकबोन मैं कहता हूँ कि जिसे जो सबसे ज़्यादा जो बिजनेस लाता है, वो सेल्स डिपार्टमेंट बनाता है। जी, सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स की नौीयत के ऊपर, सेल्स की डीलिंग के ऊपर हम कोई भी होटल बिजनेस जो है ना वो अचीव करता है, उसकी जितनी भी रेवेन्यू जो जनरेट होता है सेल्स के ऊपर होता है, सेल्स के ऊपर होता है। तो सेल्स डिपार्टमेंट्स वही आ गया कि मतलब सेल्स का कनेक्शन टू कनेक्ट होता है, आपके जितने भी मार्केट के अंदर
जितनी भी सारे कनेक्ट कॉन्टैक्ट होते हैं कंपनीज के साथ, जितने भी आपके सेल्समैन होते हैं या सेल्स के से रिलेटेड जितने भी आपकी पोस्टें होती हैं, वो सब लोग जाके उनका कनेक्शन होता है बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ और दूसरे लोगों के साथ, तो वो उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं और उनको ऑफ़र करते हैं कि आप हमारे होटल्स में आएँ, रेस्टोरेंट में आएँ, आप हमारे रूम्स देखें, स्विमिंग पूल देखें, जिम देखें, सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो फिर जब वो ऑफ़र करते हैं उनको सारी चीज़ें, तो फिर सेल्स वाले जो होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनी से अपना बिज़नेस लाते हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट होके सारों तक जाता है, नीचे से ऊपर से नीचे तक। आखिर में सब हमने डिपार्टमेंट कवर कर ले, उसके बाद कौन सा डिपार्टमेंट रह जाता है? इसके अंदर जिम भी होता है होटल्स के अंदर और स्विमिंग पूल भी होता है। तो जिम के तो अपने इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो जितने भी हमारे पास रूम्स के अंदर गेस्ट ठहरते हैं उन्होंने उनको, कुछ लोग होते हैं उनका डिफरेंट होता है, पैकेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। जिनके पैकेजेस होते हैं उनको एक्सेस होती है जिम में जाने की, और जिनका पैकेजेस नहीं होता, फॉर एग्जांपल जो लोकल गेस्ट होते हैं तो उन्होंने अपने डिफरेंट पैकेजेस लिए होते हैं, उनको ऑफर्स वगैरह भी कर देते हैं, तो वो उसके ऊपर एलिजिबल होते हैं और एक्सेस होती है उनको, वो अपना स्विमिंग पूल में जाके अपना नहा सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। और सेकंड में होता है स्पा भी होता है होटल्स के अंदर। स्पा से मुराद ये है कि वो इंटरनेशनल स्पा, जितने भी थेरेपिस्ट होती हैं वो आपको स्पा में आप जाते हैं तो आपको थेरेपिस्ट करती हैं और आप रिलैक्स फील करते हैं वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑलमोस्ट आज अपनी ब्लॉग के अंदर जितने भी होटल से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं वो हमने सब कवर कर लिए हैं, और इंशाल्लाह हम अपने आने वाली वीडियो के ऊपर इंशाल्लाह आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे। ये तो हमने होटल्स के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो आपसे शेयर किए हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे हम आपको सारी दूसरे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आप कैसे किसी भी डिपार्टमेंट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, आपको कितनी एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, और आपके पास कितना एक्सपीरियंस टोटल होना चाहिए जिससे आप ऑनलाइन और अपने किसी फ्रेंड्स के साथ या एचआर से कनेक्ट करके उनके साथ टाइम लेके या उनको सीवी अपनी पास करके आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी बिलाल भाई, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? इसी के साथ हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं, क्योंकि होटलिंग के नॉलेज के हवाले से जो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उनके बारे में जो नॉलेज मेरे पास था, जो कुछ भी था वो हमने आपको दिया, नकाश भाई के पास जो भी था उन्होंने आपको दिया। सो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाजमी देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल का बटन लाजमी दबाइएगा, और कमेंट्स करने का आपको बाकायदा पूरा हक दिया जाएगा। हमारे अंदर कोई भी कमी हुई, किसी भी कोई भी कोताही हुई तो वो लाजमी हमें बताइएगा, हम आपके कमेंट्स के मुंतज़िर रहेंगे। सदा खुश रहें, आबाद रहें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितनी आप शेयर करेंगे वीडियोस अपने दोस्तों के साथ उतनी हमें आपको फ़ायदेमंद होंगी, और हमें भी इससे थोड़ा मौका मिलेगा हम और वीडियोस आप लोगों के लिए बनाएं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अंदर डाल everyone, this is Nakash Bajwa here. We are having this all footballers here from Africa, Cameroon, and they are going to play football right now, and they all are our friends from Africa. Thank you for coming in our video. Thank you guys, all of you. Thank you, and take care, bro. Thank you, brother. Thanks. Thank you.